नमस्कार साथियों, कक्षा 11 वाले सभी दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर लेखा शास्त्र का पेपर आपको देखने को मिल रहा है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ, कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 लेखा शास्त्र का पेपर। कक्षा 11वीं वाले सभी स्टूडेंट, यहाँ पर बताए जाने वाले सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। ये प्रश्न कल के पेपर में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। 1% में ये पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है, बाकी आपके ही पेपर से ये क्वेश्चन है सारे। देखिए आपकी किताब के क्वेश्चन है, बिल्कुल मुझे 100% ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चनों को जल्दी से नोट करेंगे। लेखांकन की भाषा है, ठीक है। तो लेखांकन की जो भाषा होती है और पुस्तपालन क्या है, इनके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आप देख सकते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 23 तक आपको हल देखने को ये पेपर में मिलेगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इन क्वेश्चनों को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को डिलीट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। ये रहे आपके रिक्त स्थान, ठीक है। उसके बाद में ये रही आपकी जोड़ी, उसके बाद में ये रहे आपके सत्य अफत्य। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से इन प्रश्नों को एक बार नोट कर लीजिए। मात्र दोस्तों मैं बता देता हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा, मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, सत्यफत्य आपको देख लिए हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप 5 देख सकते हैं, ठीक है। पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, इसका तो हमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8-9 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13-14 देख सकते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा यदि आपने अभी तक इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो। क्वेश्चन नंबर 11-12 उसके बाद में 13 भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13-14, क्वेश्चन नंबर 14-15 और ये रहा 16, ये सभी क्वेश्चन लगा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पूरे लेखा शास्त्र से है, कक्षा ग्यारहवीं वाले सभी दोस्त, जितने भी दोस्त जुड़ चुके हैं, एक बार अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल 100% आपके कल के पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों 1% में क्लियर नहीं हो पा रहा है, बाकी ये पेपर 100% सही लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं, 19 आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि आपने अभी तक कंप्लीट नहीं करे हैं, याद नहीं करे हैं, तो उनको याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया हो और आगे भी अपडेट इसी प्रकार पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक प्रकार की अपडेट आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।